सतना के सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष मनीष शुक्ला की हत्या पर कांग्रेस नेता रामनिवास उमलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासन को हत्या की जांच कर आरोपी को पकड़ने के लिए 10 दिन का समय भी दिया। वहीं न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि महियार स्थित के JS सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिक नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि मनीष शुक्ला के दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, साथ ही हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। मनीष शुक्ला हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है, ये स्पष्ट होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में उर्मलिया के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष RK सिंह रहे। वहीं पत्रकार वार्ता के माध्यम से उर्मलिया मनीष शुक्ला के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा राशि और उसकी पत्नी को 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। हमारी पहली मांग है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द और CBI जांच होनी चाहिए। ये तो हम शुरू से ही मांग कर रहे हैं। CBI जांच में अगर कोई बहुत सारी अड़चने हैं तो SIT टीम गठित करें। हम आप लोगों के माध्यम से SP साहब से निवेदन करते हैं कि इसमें SIT टीम गठित कराएं तो अपने आप दूध का दूध और पानी हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। और 10 दिन का समय हम देते हैं।